press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. आई लाइन के ऊपर जो बर्फ गिरा हुआ है नाम 0.4875 जो के बत्रा टॉप के नाम से जाना जाता है क्योंकि जहां पर कैप्टन विक्रम बत्रा शहीद हुए थे। कारगिल युद्ध 20 मई 1999 को शुरू हुआ और 26 जुलाई 1999 को संपन्न हुआ, इसीलिए विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। घुसपैठ होने के मुख्य कारण ये थे कि शिमला समझौते के तहत विंटर में दोनों देशों की सेना एलओसी को छोड़कर काम्बरफीले इलाके में चला जाता था क्योंकि जहां का रिकॉर्ड टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। 1998 में विंटर के दौरान जब हमारी सेना एलओसी को छोड़कर काम्बरफीले इलाके में चला गया तो पाकिस्तान आर्मी ने धोखे से हमारी पोस्टों के ऊपर कब्जा कर लिया। 1999 में समर के दौरान वापिस जब हमारी सेना एलओसी पर गया तो हमारी सेना ने देखा कि पाकिस्तान आर्मी हमारी पोस्टों के ऊपर कब्जा जमाए बैठी थी। ये एरिया घुमरी से लेकर साउथ ग्लेशियर तुर तक था। टोटल 150 किलोमीटर का एरिया कैप्चर था। तोलोलिंग पहाड़ी के ऊपर सबसे पहले 18 ग्रेनेडियर के जवानों द्वारा ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन अच्छी तरह पोजीशन बनाकर बैठे हुए पाकिस्तान आर्मी ने अपने प्रभावित फायर द्वारा यूनिट की मूवमेंट को रोक दिया। मूवमेंट केवल खराब मौसम और अंधेरी रात में ही संभव था। लड़ाई के कुछ दिन बाद 18 ग्रेनेडियर एक फॉर्म बेस बनाने में कामयाब हुआ। तोलोलिंग पहाड़ी के ऊपर कब्जा करने के लिए 2 राज राइफल के जवानों द्वारा अलग अलग दिशाओं से हमला किया गया। इसी तरह 20 मई 1999 से लेकर 13 जून 1999 तक चले इस संघर्षपूर्ण ऑपरेशन के बाद इस पहाड़ी के ऊपर कब्जा किया गया, जहां पर हमारा कैजुअल्टी 3 ऑफिसर, 4 जूनियर कमीशन ऑफिसर्स और 33 जवान का हुआ था। तोलोलिंग पहाड़ी के ऊपर कब्जा हो जाने के बाद भारतीय सेना का ध्यान टाइगर हिल पर गया। टाइगर हिल से दुश्मन नेशनल हाईवे को डायरेक्ट शूट करता था, जिससे सेना की कॉन्वॉय और सिविल व्हीकल को आने जाने में परेशानी होती थी। टाइगर हिल पर कब्जा करने के लिए 8 सिख और 18 ग्रेनेडियर को डिटेल किया गया। दोनों ही पलटनों ने अच्छी प्लानिंग के साथ इस पोस्ट के ऊपर हमला किया। 3 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक चले इस ऑपरेशन के बाद इस पहाड़ी के ऊपर कब्जा किया गया, जहां पर हमारा कैजुअल्टी 1 ऑफिसर, 4 जूनियर कमीशन ऑफिसर्स और 30 जवान का हुआ था। इसके अलावा 120 जवान घायल हुए थे। टाइगर हिल पर ग्रेनेडियर योगिंदर सिंह यादव की बहादुरी को देखते हुए उन्हें परमवीर चक्रा और लेफ्टिनेंट बलवान सिंह की बहादुरी को देखते हुए उन्हें महावीर चक्रा के साथ सम्मानित किया गया। टाइगर हिल की 7 वाली पोस्ट इंडिया गेट पर 8 सिख द्वारा कब्जा किया गया। 0.4875 पर कब्जा करने के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा की बहादुरी को देखते हुए उन्हीं की पल्टन 13 जैक राइफल को डिटेल किया गया। 0.4875 के दूसरे फीचर्स पिंपल 1, पिंपल 2 और बेल बैग पर कब्जा करने के लिए 17 जाट और ट्विन बम पर कब्जा करने के लिए 2 नागा को डिटेल किया गया। तीनों ही पलटनों ने अच्छे सोच विचार के साथ इन सभी पोस्टों के ऊपर हमला किया। 4 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक चले इस संघर्षपूर्ण ऑपरेशन के बाद इन सभी पोस्टों पर कब्जा किया गया, जहां पर हमारा सबसे ज्यादा कैजुअल्टी 2 ऑफिसर्स और 59 जवान का हुआ था, जहां पर ही दुश्मन की गोली लगने से कैप्टन विक्रम बत्रा और कैप्टन अनुज नेहर का शहादत हुआ। कैप्टन विक्रम बत्रा और राइफलमैन संजय कुमार की बहादुरी को देखते हुए उन्हें परमवीर चक्रा और कैप्टन अनुज नेहर की बहादुरी को देखते हुए उन्हें महावीर चक्रा के साथ सम्मानित किया गया। इसके अलावा जिन पलटनों ने कारगिल युद्ध में हिस्सा लिया और जो जवान इस युद्ध में शहीद हुए उन सभी के नाम इस मेमोरियल में दर्ज हैं। आपके दाहिने
कैप्टन मनोज पांडे गैलरी, जिसमें ऑपरेशन विजय के कुछ फोटोग्राफ और पाकिस्तान आर्मी का कुछ इक्विपमेंट्स रखा हुआ है, जिन्हें आप देख सकते हैं। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, आओ झुककर सलाम करें उनको जिन्हें ये मुकाम हासिल होता है। कितनी किस्मत वाले हैं वे लोग जिनका खून देश के